कोई व्यक्ति ए या हरीश जी या सुरेश जी जो भी वहां आके रहना शुरू कर दिया, तो व्यक्ति के मन में सवाल क्या रहता है? लोगों के मन में आज भी भ्रांति है कि सर वो घर मेरे को असर करेगा क्या? नहीं, वो घर मकान मालिक को असर नहीं करेगा, उस घर के सारे वास्तु के दुष्प्रभाव या अच्छे प्रभाव वहां रहने वाले व्यक्ति को आएगा जो कि वहां किराए पर रह रहे हैं। क्योंकि वास्तु पुरुष को यह नहीं मालूम है कि वो मकान खरीदा किसने है, वास्तु एनर्जी फील्ड्स को ये नहीं मालूम है कि वो मकान खरीदा किसने है, वास्तु एनर्जी फील्ड्स को तो ये मालूम है कि जो वहां रह रहा है उसकी सबकॉन्शियस पे वो एनर्जी फील्ड्स जो है असर करेंगे, इट कुड बी पॉजिटिव इट कुड बी नेगेटिव। तो यदि किराएदार मकान में रहते हैं और वह मकान अगर वास्तु सम्मत नहीं है या वास्तु कंप्लाइंट नहीं है तो उसको नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, और यदि वह उस मकान में रहते हैं जो उनके हिसाब से कंप्लाइंट है तो उनको वहां के पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो अब बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि मकान लेने से पहले आप उस घर का नक्शा चेक करा सकते हो, उस नक्शे की ऑडिट करा सकते हो किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से। मैं भी करता हूं और भी लोग आपके यहां करते होंगे। तो ऑडिटिंग इज वेरी सिंपल, आपको अपनी बर्थ डिटेल्स भेजनी है और उस घर के प्लान को भेजना है, या जो फैक्ट्री ले रहे हैं उसके प्लान को भेजना है, या कोई शोरूम ले रहे हैं उसके प्लान को भेजना है, और एक वास्तु कंसल्टेंट आपको बड़े आराम से आपकी बर्थ डिटेल्स के बाद, क्योंकि वास्तु हर किसी के लिए सेम नहीं है, वास्तु सबके लिए डिफरेंट है, इसको एक्चुअली में कहना चाहिए पर्सनलाइज्ड वास्तु। हो सकता है मेरे को कोई डायरेक्शन सूट ना करती हो, आपको वो डायरेक्शन सूट करती हो सकता है किसी और को कोई और डायरेक्शन सूट करती हो, क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस में ये पाया है कि उसी घर के अंदर पिता जब रह रहे थे तो सब कुछ फल फूल रहा था, और जब बच्चे उनके बड़े बेटे ने या छोटे बेटे ने कमाना शुरू किया तो उनके काम उस तरीके से नहीं बने जिस तरीके से बनने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी पर्सनलाइज डिटेल्स का भी असर आ जाता है। एक और कॉलर है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए क्या नाम है आपका? नमस्कार। नमस्कार, मैं ज्योति बोल रही हूँ। मेरे को आपसे एक सवाल पूछना था कि ये जो हेलो हाँ जी ज्योति जी, सुन पा रहा हूँ, बताइए ज्योति जी, कहिए। हेलो, जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, आपको आवाज आ रही है, कहिए। रहना होगा या फिर ठीक है ज्योति जी, मैं आपके इस बात का जवाब अभी देता हूँ थोड़ी देर के अंदर, है ना। अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आप, जो व्यक्ति घर में रहता है, तो अभी बताता हूँ आपको। देखिए क्या है, व्यक्ति किसी मकान में रह रहा है, अब आज के टाइम पे ये संभव हेलो। तो, आपको आवाज आ रही है ज्योति जी? मैं एक चीज आपको और पूछना चाहती थी, मतलब हमें मतलब ये कैसे पता चल सकता है कि मतलब घर में वास्तु दोष है या नहीं है? अच्छा, तो अभी आप मुझे बताइए, आप जिस घर में रहते हैं अभी आपको क्या परेशानी चल रही है? देखिए थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है अभी। ओके, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, क्या नौकरी में प्रॉब्लम है या व्यापार में, किस चीज में, क्या किस तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जी, मुझे? वो मेरे हस्बैंड की अभी जॉब चली गई है, अब हाँ कुछ ये कोरोना की वजह से और कुछ वैसे भी पहले भी दिक्कत ही आ रही थी, तो फिर वो घर का पूरा सिस्टम खराब हो गया है, तो अब ये पता कैसे लगाएं कि अच्छा कहीं हम अभी अभी घर में शिफ्ट हुए हैं अच्छा मैं आपको इसका एक बहुत तो। अच्छा तरीका बता देता हूँ कि आपके पास आपके घर का लेआउट प्लान है क्या? नहीं है तो आप अपने ओनर से मांग लीजिएगा, ठीक है? अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइएगा, जी और घर के सेंटर से खड़े होके एक कंपास प्रो 360 डिग्री सॉफ्टवेयर है, विच इज वेरी सिंपल टू डाउनलोड, प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है?
और घर के अप्रोक्सीमेट सेंटर में जाके खड़े हो जाएगा आप ज्योति जी। और आपको उसके बाद क्या करना है, आप अपने घर के जो मेजर ऑब्जेक्ट्स या मेजर किचन, टॉयलेट, एंट्रेंस, ये सारी चीजें वहां मार्क कर लीजिएगा लेआउट के ऊपर, कितने कितने डिग्रीज पर हैं। और आगे अगले मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अगले शो में मैं आपको ये जरूर बता पाऊंगा कि आपको वो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। मतलब हमें इनकी डायरेक्शन लिखनी है। मैं बताता हूँ आपको, आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो गए जी। आपने अपने फोन का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको अपने, सपोज आपको डोर की डायरेक्शन लेनी है तो आपने सेंटर से खड़े होकर अपने डोर का डायरेक्शन लेना है फेसिंग आउटसाइड योर हाउस। मतलब आप तो घर के सेंटर में खड़े हैं जी। अब आपने अपना जो चेहरा है वो अपने दरवाजे की तरफ कर दिया और अपना जो कंपास है उसको भी दरवाजे की तरफ कर दिया, ठीक है। आपके पास एक अप्रोक्सीमेट डिग्री आ जाएगी, सपोज उदाहरण के तौर पर वो डिग्री है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पूर्व दिशा को सूचित करता है, दिस मींस दैट आपका जो घर का डायरेक्शन है वो ईस्ट है। सपोज आपका डायरेक्शन है 11 डिग्री तो वह दिशा आपको उत्तर दिशा के बारे में बताती है कि वो आपका जो दरवाजा है वो उत्तर दिशा में है। अब सपोज मान लेते हैं कि आपकी दिशा है 180 डिग्री आपके दरवाजे की, तो इसका मतलब ये है कि वो जो एंट्रेंस, वो जो आपका घर का एंट्रेंस है वो साउथ डायरेक्शन है। तो बस आप ये सब चीजें नोट करके मुझे बता देंगे, ठीक है। और घर का जो लेआउट प्लान है, मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक ईमेल दिखाई दे रही होगी chandreshsharma9@gmail.com, उसके ऊपर भी भेज सकते हैं, तो मैं इसको शो के ऊपर ले लूंगा अगली बार, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा कि हाँ बिल्कुल आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, नंबर उसमें स्क्रीन पे दिया हुआ है, मेरे से कंसल्ट करने के लिए भी नंबर दिया हुआ है, ऐसी कोई परेशानी नहीं। आप अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए भी मेरे को प्लान चाहिए, ये घूम के ऐसे बिना उसके जो लोग कर लेते हैं ऐसे वास्तु नहीं होता है। फॉर वास्तु, दी वास्तु प्लान, घर का जो लेआउट प्लान है उसकी इंपॉर्टेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसके बाद आपके घर को ग्रिड करके ये तो पता लगा सकते हैं कि आपके एग्जैक्ट टॉयलेट की पोजीशनिंग क्या है, एग्जैक्ट किचन की पोजीशनिंग क्या है, आपका एंट्रेंस की पोजीशनिंग क्या है, ठीक है। आप कहाँ सो रहे हो, वो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, जब एक बार उसको समझ लेते हैं तो सॉल्यूशंस बड़े आसान है, मैं आपको बताता हूँ। और कोई तोड़फोड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ, वास्तु के अंदर किसी तोड़फोड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ एक चीजों को छोड़ के, बहुत कुछ एक चीजों को छोड़ के, ये मान के चलिए 1% चीजों को छोड़ के, वास्तु बिना किसी तोड़फोड़ के किया जा सकता है। वी डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डेमोलिशन फॉर वास्तु कंसल्टेशन। मैं सॉल्यूशन पिछले कई सालों से बिना किसी तोड़फोड़ के करता हूं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, मेरे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो बेटर यू शुड हैव अ लेआउट प्लान। फोन पे शो पे करके करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है। जितना समय मिलेगा शो पर लूंगा, और ऑफिस तो खुला ही है आप लोगों के लिए, काम ही ये है, तो आप आके ऑफिस में मिल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे उस स्टोरी की, अंधकासुर और भगवान शिव की। तो यहां से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ, और वास्तु पुरुष मंडल कहलाया वो पद जहां पर देवता और राक्षस निवास करते हैं। अब जब वे निवास करते हैं तो क्या होता है, वे अपने अनुसार लोगों को फल देते हैं हमारे द्वारा किए गए कार्यों के हिसाब से। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से चीज समझाता हूं कि हमारे घर में वास्तु दोष है या नहीं, ये समझने का सबसे आसान तरीका मैं समझाता हूं। देखिए, ब्रह्मा को इस स्टोरी में क्या लिया गया है, मेरा अवचेतन मन। शिव क्या है, पॉजिटिव एनर्जी फील्ड। अंधकासुर क्या है, असुर, जो सुर में नहीं है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी फील्ड। मैंने कोई कार्य किया, मेरे मन में ख्याल आया कि मैं कोई काम करना चाहता हूं, और मेरे मन में जैसे ही वो ख्याल आया, एक दूसरा ख्याल मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि यार शायद मैं इस काम को कर पाऊंगा क्या, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ये क्या है, ये है नेगेटिव एनर्जी फील्ड जिसने आपको तुरंत उस काम को करने से रोका। अब जैसे ही आपने उस नेगेटिव एनर्जी फील्ड को ओवरकम किया, आप उस काम को कर पाओगे। और यदि आपने उस नेगेटिव एनर्जी फील्ड को या असुरी तत्व को अपने ऊपर
विचारों को आने दिया तो हम उस काम में फेल हो जाते हैं। ये सबसे बेहतर तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं अगर किसी काम को करने से पहले 50 बार सोचता हूं और मैं अपने कामों को सिद्ध नहीं कर पाता हूं, मेरी लाइफ में नए अवसर नहीं आते हैं, मैं सामाजिकता से लोगों से जुड़ नहीं पाता हूं, मैं अपने मन में, मैं अपनी बौद्धिक क्षमता में, जितनी मेरी क्षमता है, मैं उस तरीके से विचार नहीं कर पाता हूं, मेरे द्वारा किए गए कार्यों में मुझे फेम या रिलैक्सेशन या यश या वैभव नहीं मिलता है, मैं अपने संबंधों को ढंग से चला नहीं पाता हूं, मैं अपनी स्किल्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाता हूं। कई लोग बहुत दक्ष होते हैं लेकिन वो अपने स्किल्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते, मैं अपने किए गए कार्यों में ढंग से गेंद नहीं ले पाता, मेरे द्वारा किए गए कार्य से मुझे उतने लाभ नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए, मेरे को टाइम पर सपोर्ट नहीं मिलता है मेरे दोस्तों का, मेरे मित्रों का, मेरे परिवार का, मेरी लाइफ में वो अट्रैक्शन नहीं है जो आना चाहिए मेरे और मेरे पति के, पत्नी के बीच में, या पति और पत्नी के बीच में यदि कोई अट्रैक्शन में कमी है, वास्तु भी इसका एक कारण है। यदि हम ओवर चिंता करते हैं, ओवर एनालिसिस, किसी बात में बिना बात के मंथन करते हैं और उसका रिजल्ट नहीं ले पाते हैं, यह भी वास्तु की वजह है, यह भी वास्तु का एक कारण है। तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी फील्ड्स आर मोर देन पॉजिटिव एनर्जी फील्ड्स। तो आज मैंने आप लोगों को वास्तु को समझने का एक आसान तरीका बताया है। एक बार दोबारा आप लोगों से बता देता हूं कि आप लोग इस शो में मुझसे कैसे चर्चा कर सकते हैं और कैसे आप लोग मुझसे जुड़कर इस शो के दौरान अपने वास्तु संबंधित सवालों को पूछ सकते हैं। इसका बेस्ट तरीका है, नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर को शो के दौरान कॉल कीजिए, मेल आईडी दी गई है, अपने प्लान्स भेज दीजिए, उसमें जितना हो सकता है चीजों को मार्क कर दीजिए एंड उसमें लिख दीजिए मेल के अंदर कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि वास्तु में समाधान प्रॉब्लम से है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समाधान नहीं। यदि प्रॉब्लम है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को यहां लेकर और आपको समझा सकूं कि आपका ये वास्तु की वजह से आ भी रहा है कि नहीं। और साथ के साथ आपको अपनी बर्थ डिटेल्स भेजनी है, आपको ग्रोथ में प्रॉब्लम है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम है, आपको जो आपके मानसिक तनाव रहता है, आपको सामाजिकता में, आपको समाज से जुड़ने में समस्या रहती है, आपको मंथन रहता है बिना बात के, आपको कैश फ्लो फायर लिक्विडिटी में डिस्टर्बेंस रहती है, आपको पावर एंड कॉन्फिडेंस में डिस्टर्बेंस रहती है, आपको यश और वैभव नहीं मिलता है आपके द्वारा किए गए कार्यों में, आपको लगता है कि जो आप काम करते हैं उसका आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि आप इतनी जल्दी लेट गो नहीं कर पाते हैं, पुरानी पुरानी बातें आपके दिमाग में बिना बात के घर करती रहती हैं, आपको लगता है कि आपको टाइमली सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको लगता है कि वो अट्रैक्शन जो जागृत होनी चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ एक काम करना है, एक प्लान अरेंज कर लीजिए अपने घर का या अपनी फैक्ट्री का, जहां का भी, सबसे पहले घर का, अपने घर का प्लान अरेंज कर लीजिए और नीचे के दी गई मेल आईडी पर प्लीज मुझे मेल कर दीजिएगा। इस शो के दौरान जितना हो सकेगा मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में वास्तु की वजह से क्यों आ रही है और आपको जितना हो सकेगा पर्सनलाइज गाइडेंस यहां देने की कोशिश करूंगा। अपने अगले शो में जो कि कल होगा 3:30 बजे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि कैसे वास्तु में तत्वों का रोल होता है और वास्तु की दिशाओं का क्या हमारे जीवन पर प्रभाव है। एक अभी कॉलर आए हैं, शायद इनका कॉल अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो, हाँ जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? हेलो, हाँ जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, आप आ रही है आवाज़? हाँ जी, बताइए। मैं जोधपुर से बोल रही हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि हमारे घर की जो एंट्रेंस है वो साउथ की तरफ है। अच्छा, तो साउथ की तरफ कुछ मेरे को आप डिग्रीज के बारे में बता सकते हैं, कितने डिग्री पे आती है वो साउथ? क्या साउथ वेस्ट है या साउथ ईस्ट है? क्या क्या मतलब, कैसे दक्षिण दिशा की एंट्रेंस का प्रभाव? बीच में है, ईस्ट और वेस्ट के बीच में है दरवाजा। अच्छा, ऐसा कीजिएगा, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप देखो क्या है कि अभी मैं आपको कोई
इस बात का जवाब दूंगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप उसको ढंग से समझ ना पाए क्योंकि आप मुझे अपने घर की एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता पा रहे हैं। तो बेस्ट थिंग इज कि आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइएगा प्लीज, है ना, कंपास प्रो 360 या कोई भी एक ऐसे कंपास का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए जिसमें कि आपको लगता है कि एग्जैक्ट डिग्रीज आपको मिल जाएंगे, जो जिसमें डिग्रीज दिखाता है, और आप घर के सेंटर से खड़े होकर मुझे अपने घर की डिग्रीज बताइएगा, ठीक है। अच्छा। और फिर उससे जुड़ा सवाल लीजिएगा, है ना। अच्छा। मैं आपको ऐसे भी आप बता सकते हैं? मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या? मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या जी? अच्छा, लगता है इनका फोन कट गया। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अब जैसे ये मैडम पूछ रही थी कि आप मुझे ऐसे नहीं बता सकते हैं, दोस्तों मुझे आपको सवालों के जवाब देने के लिए एक ऑथेंटिक कोई सिम्टम मैच करना चाहिए, ऑथेंटिक कोई एक इनपुट चाहिए। बिना इनपुट के मैं भगवान नहीं हूं जो आपको चीजें बता दूं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्वेश्चंस पूछते समय ये ध्यान रखा कीजिए कि आपके पास वो पॉजिटिव जो आपको जो एक जो इनपुट है वो आपके पास करेक्ट हो। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं कि आपको क्या होना चाहिए। आपके पास लेआउट प्लान होना चाहिए, उसके ऊपर डायरेक्शंस मार्क कर लीजिएगा। डायरेक्शंस मार्क करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, घर के सेंटर में खड़े होके आप डायरेक्शन पता लग जाती है। आप घर के सेंटर में खड़े होके देखिए कि आपका टॉयलेट किस डायरेक्शन में है और कितने डिग्री पे है, आप वो लिख के मुझे बताएंगे। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन द शो। तो आज ऐसा करते हैं, इस शो का को यहीं विराम देते हैं और आने वाले समय में आपको वास्तु की ऐसी ही जानकारियां देता रहूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों को मैं इस शो के माध्यम से लेता रहूं। मुझसे कंसल्ट करने के लिए भी नंबर्स यहां पर दिए गए हैं और शो पे भी अगर आपको शो के दौरान कुछ सवाल पूछने हैं वो नंबर्स भी स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो दोस्तों आखिर में बस यही कहना चाहता हूं, ना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। मिलते हैं अगले शो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।